राम जी, आप सबका स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे बहुत मजे में होंगे। तो आप लोग के कहने के मुताबिक मैं फिर से जो है अपना ब्लॉग लेके शुरू मतलब आ गई हूँ, शुरू हो गई हूँ। मैं कहने चाह रही कुछ भी निकल जाता है कभी कभी एक्साइटमेंट में। तो अभी जो है मैंने लंच किया हुआ है और लंच में मैंने खाई है सैजन की सब्ज़ी। मैंने कल रात में बनाई थी लेकिन मैं ज़्यादा बन गई थी। कोई अच्छी चीज़ बनाते ना और मेरी पसंद की होती तो उसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, दो टाइम खाते हुए। तो सैजन की सब्ज़ी मैंने गरम की, उसके बाद चावल बनाया, सैजन की सब्ज़ी और चावल खाया है। बहुत टेस्टी और यमी बना था। और उसके बाद खाने के बाद मैंने धोए कपड़े मेरे हस्बैंड के, दिखा देती हूँ। जीन्स वगैरह कुछ उनकी धोनी थी, बोल के गए थे कि मेरे कपड़े धो देना, ज़रूर से धो देना, ऐसे बोल के गए थे। तो मैंने धो दिए, वो देखिए टंगी हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ मूवी देखूँगी इसमें, और इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। खाना खाने के बाद नींद आती है और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है और आजकल थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है। तो आप लोग सबको अपना अपना ध्यान रखिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी नहीं है, तो नहीं मम्मी अभी फ़िलहाल तो नहीं है, जब आएंगी तो आप लोग को मेरे ब्लॉग में ज़रूर दिखेंगी। तो मैं जा रही हूँ सोने, लेकिन यहाँ मैथ को जो है बाहर जाना है। क्या हुआ तुमको, बाहर जाना है क्या? चलो जाओ। इसका कुछ ठीक ही नहीं रहता, कभी भी कहीं भी उठ के चल देता है। तो पहले तो मुझे पंखा लगाना पड़ेगा, हवा बहुत चल रही है। पंखा यहाँ चल चुका है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूँ, मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने आप लोग से कहा था कि मैं सोने जा रही हूँ और मैं सोने तो गई थी, लेकिन फिर मैं मूवी देखने लगी। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम में लाइव कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी उनकी लाइव में घुस गई थी। घुस जाती हूँ ऐसे किसी भी घर में, तो इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही थी तो मैं घुस गई और कुछ बातें हुई। इसके बाद फिर मैंने फिर से मूवी देखी एक घंटा तक। पूरी मूवी देखने के बाद तब फिर मैं सोई हूँ और अभी जगी हूँ और अभी जा रही हूँ। चाय गर्म की बनाई है मैंने और ये खाने एक चाय और बन खाएंगे बैठ के। मुझे चाय ना ऐसे खाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा ब्लॉग जो है दो तीन ब्लॉग मिला जुला ब्लॉग आएगा आप लोगों का। तो मैं भी सो के उठी हूँ, रात में लेट सोई थी तो बहुत सर दर्द कर रहा है। और देखिए मैंने ये नोज रिंग लिए, कैसी लग रही है ज़रूर, काफ़ी टाइम बाद पहन रही हूँ ना तो पेन हो रहा है यहाँ पे। और देखिए मैक्स 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 ने बिस्कुट खाई। मैं जा रही हूँ पानी पीने, हालांकि मैं एक बार उठ के चाय में पी चुकी हूँ, फिर सो गई थी, नींद लग रही थी। तो आजकल पता नहीं क्यों मॉर्निंग में नींद बहुत आ रही है। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, तो पल गली गली प्रेम मैक्स पानी पियोगे?
मैं सुबह उठती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ दरवाजे के पास आके बैठ जाती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, थोड़ी सी धूप भी लगनी ज़रूरी रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ। ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसके बाद नहाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तैनी क्या बनाऊंगी नाश्ते में? मेरे हस्बैंड को बोला कि चूड़ा ले आओ, पोहा बनाने का मन कर रहा है, वो लेके आएंगे तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाएंगे। मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं पूजा भी कर लिया मैंने, और यहाँ पे खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं भरवा आलू जो बनाती हूँ ना, वही बनाने जा रही हूँ। अच्छा लगता है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और पति को भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस बना रही हूँ और मैंने कहा चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आज ब्लॉग एडिट करके डाली दोपहर तक सोच रही हूँ, तो बस इसको बना लेते। अभी इसके मैंने इसका मसाला नहीं बनाया है, अभी मसाला बनाऊंगी। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ पता है, कभी आपके पास अगर कलौंजी मसाला नहीं हो तो क्या करिए कि जो आपके पास सब्ज़ी के मसाले होते हैं वो ले लीजिए, 3-4 पैकेट, मतलब अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 3-4 पैकेट ले लीजिए। और उसमें जो है थोड़ी सी लहसुन और वो मिर्च ये सब काट के डाल दीजिए, हल्दी वगैरह डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए सब्ज़ी मसाले में, और उस सब्ज़ी मसाले को आप आलू में भर के बनाइए ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कभी ट्राई करिएगा, इतना टेस्टी बनेगा ना कि कलौंजी से भी अच्छा लगेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे पास जब नहीं रहता तो मैं यही करती हूँ। हमारा क्या बना रात में खाना? अभी खा के चले जाना, बन जाएगा। तो तुम लोग खाने भी खाने फ्रेंड्स, खाना जो है मेरा बन चुका है और मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ, भूख लग रही है तो उसे लिए। तो ये देखिए पराठे आलू का ये, और ये बूंदिया। तो ये बूंदिया जो है प्रसाद का है, हनुमान जयंती का तब का प्रसाद का है, इतना सही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया है। तो ये साथ में खाते हैं और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कहीं पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट, तो क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट मैं जो हूँ शुरू करती हूँ आज से ही। तो आज का मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं भरवा आलू इमरजेंसी में किस चीज़ से बनाती हूँ, कौन से मसाले से बनाती हूँ भरवा आलू इमरजेंसी में, ये आंसर आप लोग को मुझे देना है। देखते हैं जो सबसे पहले आंसर देगा इसका, उसका मैं नाम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में लूँगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ये वाला ब्लॉग लेके आइए, क्वेश्चन आंसर वाला, आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग का नाम मैं लेती हूँ, तो फाइनली मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ। अब आप लोग फटाफट से कॉमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है? चलो मिलूँगी, बाय, टाटा, टेक केयर।